के पूर्वोत्तर हिस्से असम में आई बाढ़ ने 50 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है। वहीं बिहार के कुछ जिलों में भी असम जैसी ही तस्वीरें दिखाई दी हैं। किशनगंज और अररिया जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ आई। बंगाल के सिलीगुड़ी में भी हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। ये सैलाब है, वो सैलाब जो हाहाकार मचा रहा है, वो सैलाब जो पलक झपकते इमारतें निगल रहा है। असम में आई बाढ़ का असर आंकड़ों में भले ही घट रहा हो, हालात सुधरने की बात कही जा रही हो, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कुछ और ही बयां करती हैं। नलबाड़ी जिले की ये तस्वीर देखिए, यहां ये दो मंजिला इमारत देखते ही देखते सैलाब में समा गई। बताया गया वहां बाढ़ की वजह से ऐसी कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन सिर्फ नलबाड़ी ही नहीं, सेंट्रल असम के कई दूसरे हिस्सों में भी सैलाब का सितम जारी है। ये तस्वीरें सिलचर की है। सिलचर उन इलाकों में से है जहां बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सेना को मोर्चे पर उतारा गया है। सिलचर में सेना के जवान नावों पर सवार होकर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। सैलाब में फंसे लोगों की सेहत को देखने के लिए भी सेना की मेडिकल इकाई को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने भी हालात का जायजा लिया। भवानीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा लोगों का हालचाल जानने के लिए घुटनों तक पानी में उतर गए। लेकिन हालात सिर्फ असम के ही खराब नहीं है, बिहार के किशनगंज और अररिया जिले की ये तस्वीर देखिए। भारी बारिश के बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। कई इलाकों का एक दूसरे से संपर्क भी टूट गया। जिन गांवों में सड़कें हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश ने मंगलवार को बंगाल के भी कुछ इलाकों में लोगों को परेशान कर दिया। तस्वीरें सिलीगुड़ी की हैं, जहां तेज बारिश के बाद सड़कें और गलियों में पानी भर गया। कुछ ही देर की बारिश के बाद बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। पूर्वी इलाके के साथ साथ मंगलवार को देश के पश्चिमी इलाकों में भी बारिश हुई, जिससे लोगों को चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से राहत मिली। लेकिन पश्चिमी हिस्सों के राज्यों में ये बारिश राहत की बजाय आफत बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।